हाय फ्रेंड्स, आई एम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं, एक वीडियो है, आर यू मुल्ला। तो ये वीडियो एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, अभी हमने डाउनलोड किया है उसे। तो पहले वीडियो देखते हैं क्या है, और वीडियो का टाइटल है आर यू मुल्ला और आगे वेरी इमोशनल बयान। तो पहले वीडियो देखते हैं। ये हदीस हमारा एंटीडोट है। सब लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं ये उनका एंटीडोट है। आज के दौर में अगर आपने दीन प्रैक्टिस करना है सो दिस इज द वे। देयर विल कम अ टाइम व्हेन अ मैन विल बी गिवन द चॉइस बिटवीन बीइंग लेबल्ड इनकॉम्पिटेंट एंड कमिटिंग इमोरालिटी। हूएवर लिव्स अंटिल दैट टाइम शुड चूज इनकॉम्पिटेंस ओवर इमोरालिटी। एक टाइम आएगा कि तुम्हें इमोरल होना और इनकॉम्पिटेंट होना, इसमें चॉइस दी जाएगी। क्या मतलब है? आज आप देख लें, जो बंदा दीन पे चलता है उसको क्या कहा जाता है? इनकॉम्पिटेंट है, ये बैकवर्ड है, ये जाहिल है, इसको कुछ नहीं पता, ये दुनिया से कट ऑफ है, ये मुल्ला है, ये टेररिस्ट है, इनको कुछ सोचना समझना नहीं आता, इनको बात करनी नहीं आती, इनमें इंटेलिजेंस कोई नहीं है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि ये ताने सुन लेना, ये ताने बर्दाश्त कर लेना, लेकिन दूसरी लाइफस्टाइल की तरफ मत जाना। ये हमारे नबी की नसीहत है। और आज ऐसा होता है, व्हेन वी गो टू यूनिवर्सिटीज हमें वहाँ ताने सुनने पड़ते हैं। जो सिस्टर्स हिजाब शुरू करती हैं उनको ताना सुनना पड़ता है, फैमिली का अलग से, उस्ताद का अलग से, तरह तरह की नज़रों से देखा जाता है उसे, उसे जज किया जाता है। और जो लड़का दाढ़ी रखने की कोशिश करे, नमाजें पढ़ने की कोशिश करे, मोरालिटी की बात करने की कोशिश करे अपनी क्लासरूम में, दाढ़ी तो अलग लेवल है ना, वो तो लेवल ही बहुत हाई है, सिंपल मोरालिटी की बात करने की कोशिश करें कि यार ये चीज़ गलत है, देन सी कि उसके साथ क्या होगा, उसके दोस्त उसका क्या हशर करेंगे, उसको किस किस तरह के अलकाबात से जो है बुलाएंगे। सो द एडवाइस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सबसे ज़्यादा सेंसेर तरीन इंसान थे हमारे साथ, उनकी एडवाइस ये है कि चूज़ बींग कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट बट डू नॉट चूज़ द वे ऑफ इमोरालिटी। बर्दाश्त कर लेना और अल्लाह तुम्हें उसका बड़ा अजर देगा बर्दाश्त करने का। अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ वर्का बिन नौफल, जब प्रॉफिट सल्लम उनके पास आए, उन्हें बताया कि मेरे पे एंजल आया है, तो उन्होंने कहा कि ओ माय नेफ्यू, काश मैं उस टाइम जिंदा हूँ जब तेरी कौम तुझे धुतकारेगी, तुझे यहाँ से निकालेगी, तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, काश मैं उस टाइम जिंदा हूँ। तो क्या खुशखबरी है वर्का बिन नौफल की हदीस में हम सब के लिए, आपके लिए जिनको ताने पड़ते हैं, जिनको तरह तरह के अलकाबात से बुलाया जाता है, जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं इस्लाम पे चलते हुए, उनके लिए खुशखबरी ये है, जिस तरह नबियों को दुख दिया गया उसी तरह तुम्हें भी दुख दिया जाएगा। क्योंकि नबी अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदे थे, हक की बात करते थे, सच की लड़ाई लड़ते थे, और उन्हें दुख दिया गया, उन्हें तंग किया गया, उन्हें ताने दिए गए और फैमिली वालों की तरफ से दिए गए। तो ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, असल में तुम्हारे लिए बशारत है कि तुम्हें भी दुख दिया जा रहा है। और किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि तुमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं अगर सर झुकाऊंगा तो अल्लाह के आगे झुकाऊंगा, अगर मैं मानूंगा तो अल्लाह की मानूंगा। सो दैट इज अ गुड टाइडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और आज का जो दौर है, व्हेन एवरीथिंग इज ग्रे, हर चीज ग्रे है, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट वाला दौर, जब ब्लैक बड़ा एविडेंट था, वाइट बड़ा एविडेंट था, हम सबको पता था ये बुराई है, ये अच्छाई है। आज ग्रे एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। आर यूथ आर कन्फ्यूज, यार हलाल क्या है, हराम क्या है, पता नहीं इसकी क्या रूलिंग है, इसकी क्या रूलिंग है, पता नहीं हिजाब करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं नमाजों, आप तो नमाजें भी चैलेंज हो गई कि पता नहीं नमाजें भी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। सो ग्रे एरियाज में लेट मी गिव यू अ टिप, If you want to be safe in this world full of grey areas, then be the one like Siddiq-e-Akbar. आप Siddiq-e-Akbar के लेवल तक तो शायद नहीं जा सकते, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लेवल पे, लेकिन आप उनको इस हद तक तो एम्यूलेट कर सकते हैं ना। अबू जहल आया Siddiq-e-Akbar रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, उसने कहा कि वट इफ़ मैं तुम्हें बताऊँ कि एक शख्स घोड़े पे बैठ के एक रात में मक्का से जेरूसलम चला गया है, तो तुम क्या कहोगे? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कौन है वो शख्स? तो अबू जहल ने कहा योर फ्रेंड, योर कंपेनियन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर ने कहा बिल्कुल सच है, विदाउट सेइंग एनीथिंग ही सेड 100% ट्रू। सो इफ यू वॉन्ट टू बी सिद्दीक अकबर
और एटलीस्ट रीच दैट लेवल, देन स्टैंड अप एंड से कि बिल्कुल सच है। समझ आए या ना आए, मेरे नबी की हदीस आ गई, कुरान की आयत आ गई, मैं गवाही देता हूँ, आई विल स्टैंड, आई विल सपोर्ट इट, आई विल प्रोटेक्ट इट, आई विल एक्चुअली आर्ग्यू कि ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल हक बात है। और याद रखें कि ऐसे लोग, सूरह यासीन में एक ऐसे शख्स का तस्करा है जिसने कुछ नहीं किया, ऑल ही सेड वॉज कि ओ माई नेशन फॉलो द प्रॉफिट्स हु से द ट्रुथ, दैट्स ऑल ही सेड। उसकी नेशन ने उसे कत्ल कर दिया, मार दिया, और अल्लाह ने कहा कीला खुलिल जन्ना, उस बंदे को मैंने जन्नत में दाखिल किया। और जन्नत में दाखिल होते ही उसने कहा कि हाय मेरे अल्लाह ने मुझे छोटी सी बात पे कितना बड़ा रिवॉर्ड दे दिया, छोटी सी बात थी। ऑल ही सेड इज कि प्रॉफिट्स आर ट्रुथफुल। मुसअब बिन उमैर द यंग सहाबी, जिनका परफ्यूम बहुत मशहूर था, जिनके कपड़े बहुत मशहूर थे, जो ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते थे उस दौर के, और जंगे ओहद में जब वो शहीद हुए तो सहाबा रो रहे थे उनकी हालत देख के, कि उनको कफन में असर नहीं था, पूरा फेस कवर करते थे तो टांगे नंगी हो जाती थी, टांगे कवर करते थे तो फेस जो है उससे कपड़ा हट जाता था। ये है मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा रो इसलिए नहीं रहे थे कि ये बेचारा गरीब हो गया या इसके पास अब कफन तक नहीं है, वो इस बात पे रो रहे थे कि इसकी कुर्बानियां देखो, इस बंदे ने क्या लाइफस्टाइल छोड़ के नबी को सपोर्ट किया और इस लेवल पे सपोर्ट किया कि आज शहादत की मौत जो है इन्हें आई है। इट डजेंट मीन कि हम ब्रांड्स छोड़ दें, इट डजेंट मीन हम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि सहाबा की कुर्बानियाँ आप चेक करें, किस लेवल की उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और हम छोटी सी बात अपने नबी के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम ताने बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम पीयर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे, सहाबा ने क्या क्या बर्दाश्त किया है। और है कोई साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हो, द मैन हु शुक द थ्रोन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो शख्स जिसने अल्लाह का अर्श हिला दिया, साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि साद की मौत ने अल्लाह के अर्श को हिला दिया। आज हमारा सेलिब्रिटी कौन है, आज कौन है हमारा रोल मॉडल, कौन है हमारा आइडियल, वो जो हमें जानता भी नहीं। हमारी यूथ का रोल मॉडल मेसी है, रोनाल्डो है, जो उसे जानता भी नहीं है, जो उसकी हेल्प भी नहीं करेगा अगर रियल लाइफ में कभी मुलाकात हो जाती है, जो उसकी सिफारिश नहीं करेगा डे ऑफ जजमेंट में। व्हाई आर आवर रोल मॉडल्स नॉट पीपल लाइक साद बिन मुआज, द मैन हु शुक द थ्रोन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आज मैं आपको कहूं कि एक बंदा है जिसने व्हाइट हाउस को शेक कर दिया, तो आपकी तवज्जो फौरन जाएगी, कौन है, कौन है जिसने अमेरिका को शेक कर दिया, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट अ मैन हु शुक द थ्रोन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एंड व्हाई, क्यों क्यों अल्लाह का अर्श लर्जाया, क्यों लर्जा अल्लाह सुब्हान व तआला का अर्श? बिकॉज साद बिन मुआज वॉज वन ऑफ द अंसार, ही वॉज द चीफ ऑफ हिज ट्राइब, और उनकी इतनी खिदमात है इस्लाम के लिए। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अपने घर को तकसीम किया, जिन्होंने अपने घर के ज़मीनों के हिस्से को तकसीम किया, मुहाजरीन को दिया, जिन्होंने अपनी वेल्थ को तकसीम किया, प्रॉपर्टी को तकसीम किया, इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी कि आप सोच नहीं सकते। ये लोग हमारे आइडियल्स होने चाहिए आज के दौर में। सो यू पीपल शुड बी लाइक दिस, तभी चेंज आएगी। अगर हम घरों में बैठे रहेंगे, अगर हम कम्फर्ट जोन में बैठे रहेंगे, अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो कोई चेंज नहीं आने वाली। और होगा ये कि हम रिप्लेस हो जाएंगे, अल्लाह नई कौम को लेकर आएगा। और आज ऐसा हो रहा है, गोरे इस्लाम कबूल कर रहे हैं, सारा दावा तो वो कर रहे हैं। आप टॉप दाइस के नाम ले लें, सब रिवर्ट्स हैं, आप देख लें लिस्ट जाकर, सब रिवर्ट्स हैं, जो एक्चुअली पहले क्रिश्चियन थे या ज्यू थे या एथियस्ट थे, दे गॉट कन्वर्टेड, और आज अल्लाह उनसे काम ले रहा है। और हम जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम ये सोच भी नहीं रहे कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हमने भी कोई रोल अपना निभाना है। चलो बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, एटलीस्ट फैमिली लेवल पे तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट अपनी फैमिलीज को तो कुछ बता सकते हैं ना, एटलीस्ट अपने को सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो था, वीडियो तो बहुत ही अच्छा था। और इन्होंने पूरा कच्चा चिच्चा खोल के रख दिया, जो इस्लाम को मानते हैं और नमाजें नहीं पढ़ते, या फिर और इन्होंने पहले स्टार्टिंग में जो कहा कि कुछ कुछ लोग मतलब हमें बोलते हैं कि ताने देते हैं अगर हम दीन पे चले, मतलब धर्म पे चले तो हमें ताने देते हैं और कहते हैं ये तो गवार है, और ये हमारे यहाँ कहते हैं ऐसा, इसे क्या पता, और आज का मतलब मॉडर्न जमाना है, ऐसा नहीं होता,
पहले तो वो तो मतलब बूढ़े लोग हैं और ऐसा बहुत ज्यादा, और उसकी सोच भी ऐसी है। और ज्यादातर और लोग साइंस को बीच में लाते हैं ये हाँ, प्रूफ करने के लिए कि किसी चीज या भगवान या अल्लाह का एग्जिस्टेंस नहीं है, सब अपने और आप हो रहा सिर्फ है। मॉडर्न जमाने को बीच में लाते हैं, तो अगर कोई ऐसा हो तो उसे भी पागल बनाने में वो ये लोग उनको तुले रहते हैं। ऐसा लगता तो है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं सोच सकता और मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मैं अल्लाह या भगवान को नहीं मानता। पर उसे इतना भी नहीं पता कि कल हमने एक वीडियो किया था एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो एटम का स्ट्रक्चर इतना मतलब यूनिक था कि उसके अगल बगल में जो घूम रहे थे वो एक ही डायरेक्शन और एक ही स्पीड में घूम रहे थे। और उन्होंने लास्ट में बताया कि अगर वो सिर्फ थोड़ा उसमें बदल कर दे तो पूरी धरती फट सकती है। तो हाँ, आप सोच सकते हैं कि एक एटम का स्ट्रक्चर में इतना यूनिकपन है तो अल्लाह का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं मान रहे हैं लोग और भगवान का भी। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि नबी को भी वो लोग ताने देते थे, तकलीफ देते थे, तो आप ये समझ लीजिए कि हम अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, इसीलिए हमें ताने मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा मैसेज है कि हम, अगर हमें कोई बुरा कहता है, मतलब हम अच्छा भी कर ले तो भी बुरा कहता है, तो हम अल्लाह के मतलब क्लोज है, और हमें अल्लाह हमें पसंद करता है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये मोटिवेशन स्पीच थी, बहुत ज़्यादा और मोटिवेट करने मोटिवेशन का वाली। मतलब 100% डोज था। अगर इसे कोई हाँ सुन ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई उदास हाँ हो और वो जाएगा जो कि बता इसे रहे ताने थे सुन के। वो भी खुद मतलब हमारे ही जनरेशन के दिख रहे थे, हाँ, बहुत क्योंकि उनका ज़्यादा एज ज़्यादा मतलब, नहीं हम था। क्योंकि तारिक जमील जी बताते हैं तो मतलब वही बताते हैं, लेकिन एज तारिक जमील की, जी अपने एज के लोगों को इजीली समझा सकते हैं और हमें हाँ भी समझा सकते हैं। हमें समझा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ को, हमारे जनरेशन में कुछ बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं जो नहीं सुनते, हाँ, तो और मेरे ख्याल से ये बयान सुनना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे जनरेशन के ही है, और इतने अच्छे बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं हम सबको। तो और मेरे ख्याल से इनका बयान एकदम ऐसा इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं और साइंस वालों को भी, दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हर हर किसी चीज़ को प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं उनको हाँ, तो बहुत अच्छा और वीडियो उनके था। मुंह बंद कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। और रोल मॉडल, अपने रोल मॉडल को हाँ, ना कि उन्होंने ये हमें बहुत अच्छा बताया। रोल मॉडल अपने हीरोज या मेसी या मतलब फुटबॉल स्टार या कोई भी स्टार को नहीं बनाना चाहिए। इनके अलावा हमारे पास बहुत से रोल मॉडल हैं जो हमें आखिरत के वक्त मदद कर सकते हैं। जो इन्होंने कहा कि एक बहुत से मतलब क्या बोलते हैं उन्हें, बहुत अच्छे क्या साहबी का नाम दिया उनका, उनको आप रोल मॉडल बना सकते हैं हाँ या अल्लाह को ही रोल मॉडल मानिए। नहीं, अल्लाह को नहीं मान सकते क्योंकि वही डिसीजन लेने वाले हैं। नबी को मान सकते हैं क्योंकि या हम जब सेलिब्रिटीज को रोल मॉडल मानते हैं तो हम उनके सामने भी जाओ तो भी हमें वो नहीं पहचानते, हाँ, ये बहुत तो अच्छा इस कहा इन्होंने। ऐसे रोल मॉडल का क्या फायदा, वो हमें पहचानना चाहिए, उनका कुछ तो अगर हमें ज्ञान। आखिरत हाँ, के वक्त का मतलब मरने के बाद जब अल्लाह के वो पास खुद ही जाएंगे तो परेशानी में होंगे तो हमें क्या देखेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।